गाइज डोंट फॉर गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सो गाइज चलिए हम डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक सो गाइज आज का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन डेलीगेशन एंड डी सेंट्रलाइजेशन ठीक है ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड हैं अब हम इसके बारे में समझते हैं डेलीगेशन क्या होता है गाइज सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन टू पीपल इज नोन एज डेलीगेशन और जब हम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं बिटवीन मोर देन टू पीपल तो उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं देखो हमें पता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिना डेलीगेशन के फंक्शन नहीं कर सकती है रीज़न बीइंग कि एक इंडिविजुअल पर्सन सारा काम नहीं कर सकता राइट right? उसे ज़रूरत होती है किसी और पर्सन की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसकी अथॉरिटीज़ को शेयर कर पाए राइट सो गाइज़ हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं देखिए मान लीजिए कि ए बी सी लिमिटेड एक कंपनी है जिसके डायरेक्टर का ऑब्जेक्टिव है कि मुझे थर्टी थाउजेंड यूनिट्स मैन्युफैक्चर करनी है पेन के वन वीक के अंदर अंदर इट इज़ बट ऑब्वियस कि थर्टी थाउजेंड यूनिट्स का ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा हायर है और कोई भी डायरेक्टर अकेला उसको फुलफिल नहीं कर सकता तो डायरेक्टर ने क्या किया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अथॉरिटी शेयर करी प्रोडक्शन हेड के साथ ठीक है उसको कहा कि भाई थर्टी थाउजेंड यूनिट्स हैं पेन की जो मैन्युफैक्चर करनी है वन वीक के अंदर अंदर मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ कि आप वर्कर्स को अपॉइंट करो और ये ऑर्डर आप फुलफिल कराओ ठीक है साथ ही साथ भी मैं आपको अथॉरिटी मतलब पावर भी दे देता हूँ ये काम करने की राइट अब क्या हुआ गाइज़ प्रोडक्शन हेड फिर वही प्रोडक्शन हेड अकेला पर्सन अब वो ये सोचेगा कि भाई मैं कैसे थर्टी थाउजेंड यूनिट्स मैन्युफैक्चर करूं वो क्या करेगा गाइस प्रोडक्शन मैनेजर के पास जाएगा और उससे कहेगा कि भाई थर्टी थाउजेंड यूनिट्स पेन की मैन्युफैक्चर करनी है वन वीक में ऑर्डर मिला है डायरेक्टर से तो आप इसके अंदर हेल्प करो राइट फिर प्रोडक्शन मैनेजर जो है गाइस वो सुपरवाइज़र के पास जाएगा वाई क्योंकि जो सुपरवाइज़र है वो एम्प्लॉयज़ के इमीडिएट कांटेक्ट में है उसको पता है कि कौन से वर्कर्स ऐसे हैं जो ज़्यादा एफिशिएंट हैं ज़्यादा इफ़ेक्टिवली फंक्शन कर सकते हैं एंड टाइमली ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं थर्टी यूनिट्स को मैन्यूफेक्चर करने का सो so, देखो गाइज यहाँ पर क्या हुआ जब डायरेक्टर ने अपने ऑब्जेक्टिव को अपनी अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर किया प्रोडक्शन हेड के साथ तो अल्टीमेटली यहाँ पर टू पीपल इन्वॉल्व थे जिनके बीच में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हुई राइट इन द सेम वे जब प्रोडक्शन हेड और प्रोडक्शन मैनेजर के बीच में कांटेक्ट हुआ तो प्रोडक्शन हेड ने क्या किया अपनी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करी प्रोडक्शन मैनेजर्स के साथ तो गाइस ये जो टू टू पीपल के बीच में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हुई ये तो डेलीगेशन था लेकिन इस डेलीगेशन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन हुआ कैसे डायरेक्टर ने अपना ऑब्जेक्टिव अपनी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन हेड के साथ शेयर करी प्रोडक्शन हेड ने प्रोडक्शन मैनेजर के साथ प्रोडक्शन मैनेजर ने सुपरवाइजर के साथ एंड सुपरवाइजर ने अल्टीमेटली वर्कर्स के साथ वो अपनी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करी जिससे एक चेन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी ठीक है तो गाइज डेलीगेशन जो है ना दैट गिव्स रिजल्ट टू द डिसट्रलाइजेशन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन होपफुली राइज ये आपको समझ आ गया होगा सो इन कॉन्क्लूजन वी कैन से अगर हम इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं तो इन इन कॉन्क्लूजन वी कैन ईजिली से दैट डिसजेशन इज सिंपली एन एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन ठीक है हर लेवल पर क्या होगा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होगी दो लोगों के बीच में बट जो दो लोग हैं वो फर्दर उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आगे किसी को अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे जिससे ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन आ जाएगा अब गाइस जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं ना तो बहुत सारी जगह पे ये भी बताया होता है रिलेशनशिप में कि डेलीगेशन जो है दैट इज कंपलसरी वेयर एज ऑन द अदर हैंड इज ऑप्शनल येस गाइज दिस इज वेरी वेरी ट्रू देखो डेलीगेशन तो बहुत ज़रूरी है चाहे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है चाहे मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन है चाहे लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है हर जगह पर रीजन बींग एन इंडिविजुअल पर्सन के नॉट डू एवरी थिंग राइट बट येस डिसन ऑप्शनल है अगर हम इसी एग्जाम्पल से समझें देखो डायरेक्टर का ऑब्जेक्टिव था थर्टी थाउजेंड यूनिट पेन की मैन्युफैक्चर करना वन वीक में अब डायरेक्टर अकेला ये काम नहीं कर सकता था उसने प्रोडक्शन हेड को कांटेक्ट किया और उससे अपना ऑब्जेक्टिव शेयर किया कि भाई ये ऑब्जेक्टिव है और मैं तुम्हें अपनी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ इस ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए ठीक है ये तो हो गया डेलीगेशन बट प्रोडक्शन हेड ज़रूरी तो नहीं है कि उस अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी को या ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर की हेल्प ले ठीक so yes है सो येस गाइज डेलीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ऑर्गेनाइजेशन में बिकॉज इट इंश्योर्स कि ऑर्गेनाइजेशन में इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली फंक्शन हो बट डिसजेशन ऑप्शनल है हाउ एवर गाइज एज वी ऑल नो कि टूडेज़ एनवायरमेंट इज ग्लोबलाइज एन्वायरमेंट कोई भी बिजनेस हो मैक्सिमम बिजनेस हम कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ नेशनल लेवल पे ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी ऑपरेट हो रहे हैं बिजनेस फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड कर रही हैं लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप सिर्फ डेलीगेशन के बेसिस पे वर्क नहीं कर सकते हो डिसट्रलाइजेशन भी जो है वो धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपल्शन होता जा रहा है बट येस अगर हम सिर्फ रिलेशनशिप की बात करेंगे तो हम इतना ही लिखेंगे कि डेलीगेशन इज़ इस...